सुबह जब हम मिले उस वक्त हम लोग एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन में थे। आपने मुझे वो हार्ड ड्राइव दी थी, वो हार्ड ड्राइव खो गई बाबा, कहीं नहीं मिल रही। यहाँ पे वो आते हैं ना चिरंगो, वो तो नहीं बज रहा बाबा जी। तापस दा पूरा फाइल छोड़ गया यार, क्या बोल रहे हो? एग्जैक्ट कॉपी करना पड़ेगा। गाना का पीछे बहुत सारा लाइंस छुपा है जो पकड़ना मुश्किल हो रहा है, मैं फिर भी मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा। Guys, can we do it some other time? I'm in some crisis right now, and we can maybe push it for tomorrow or something. It was my job to inform you. I'm sorry. So, are you going somewhere? Can we do the interview? Because we need to do the interview today. So you guys can come along and stuff, but yeah. I don't think I can commit too much to the interview right now. That's what I mean. You can just be along if you want. Yeah. Sure. Come. So basically, we are releasing a song in a month's time, and a lot of people have worked very, very hard on that song, and some very important files, recording files, have gone missing. और वो इतनी important files हैं कि उसके बगैर गाना आगे बढ़ नहीं सकता. And now the whole team is just running around. We are in a big mess. तो हमने इस गाने को कुछ एक डेढ़ साल पहले रिकॉर्ड करा था. इसके जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं वो हैं आदित्य देव, एंड ही इज़ अ जीनियस इन हिज जॉब. हिज अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स म्यूज़िक इज़ एस. और ये एक बहुत ही अनयूजुअल गाना है प्यार क्या. इस गाने में इस गाने को हमने बहुत प्यार से बनाया. इसमें जो चिरंगो और बैंजो के जो टेक्स बजाए हैं वो तापस रॉय ने बजाए हैं, एंड मेरे लिए ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशंस ऑफ आर कंट्री. अगर आप देखें तो जो फाइल्स हमारी खो गई हैं, हमारे पास तापस की फाइल्स खो गई हैं और शायद वॉइस खो गई है जो हमने वॉइस डब करी थी. इस गाने की टीम में जो राइटर हैं उनका नाम है रॉकी खन्ना. जब मैंने उनको बताया कि फाइल्स खो गई हैं, आई थिंक इज़ वेरी अपसेट. ही डजंट वांट टू कम फॉर द सेशन राइट नाउ. एंड ऐसा ना हो कि हमने गाना रिक्रिएट करा और रिक्रिएट करके उतना अच्छा ना आए. लुक, वी आर हियर, वी हैव रीच्ड द स्टूडियो. बाबा कैसे हो? बढ़िया बाबा, आप कैसे? एक प्रॉब्लम हुई काफ़ी बड़ी. तो हम लोग ने तभी आई थिंक डेढ़ साल पहले ये गाना रिकॉर्ड किया था. जो भी फाइल्स थे मैंने चेक किया तो सिर्फ आदित्य ने जो ट्रैक दिया था आदित्य देव ने, उतने ही मेरे को मिला. आपने मुझे वो हार्ड ड्राइव दी थी, वो हार्ड ड्राइव खो गई बाबा, कहीं नहीं मिल रही. प्ले करो एक बार. हाँ जी, प्लीज प्लीज. यही वाला है ना? यहाँ पे वो आते हैं ना चिरंगो, जैसे आपका वॉइस भी आता था ना. आगे कुछ भी नहीं, आगे एक पीस आता है उसका, बैंजो का. बहुत मुश्किल बात है, तो है ही नहीं मेरे पास कुछ भी. तो फिर प्लान किया गया कि वापस तापस आपको बुलाएंगे, फिर वापस जो भी इनका डब होगा. ये गाने का साउंड बिल्कुल ही रेगुलर नहीं है. मैंने भी ऐसे गाने शायद नहीं किए हैं जिसका साउंड बिल्कुल ही डिफरेंट है. बट तापस दा का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और कुछ वापस ऐसे ही कुछ मैजिक हो जाए. तापस दा? हाँ बोलो. कहाँ पहुँचे? क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने प्ले किया था वो एक जोन अलग था, एक माहौल अलग था. सबके वाइब्रेशंस थे, सबकी पॉजिटिविटी थी उस गाने को लेकर, तो वो कुछ एक अलग मैजिक हुआ था. मैं ये गाने में दो इंस्ट्रूमेंट बजाया था, बैंजो और चिरंगो. ये दो इंस्ट्रूमेंट का बहुत अच्छा काम है ये गाने में, बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ था. तो क्या बजाया था यार इतना? बोले हम लोग आपको एक ट्रैक भेजते हैं, MP3 हम लोगों का पास है. और MP3 जो है जब ओपन फाइल्स होती है तो उस चीज़ को रेप्लिकेट करना इजी होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम अलग अलग सुन सकते हैं. बट हमारे पास वैसा नहीं है. एक एक ही ट्रैक है जिसमें वॉइस के बहुत पीछे वो सब चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब चीज़ों को अभी से वापस सब सुन सुन के एक एक करके इसको रिटेन करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है. क्या होता है कि
कुछ आप बजाते हो और उसके बीच में जो ब्रिजेस होते हैं उनको कनेक्ट करते हुए आप कहीं और ही नोट लगाते हो. अब वो नोट लगाना, वो नोट उनको भी समझ में नहीं आ रहा है. रिपीट है. अच्छा ये पार्ट एक और प्ले करो. गाना का पीछे बहुत सारा लाइंस छुपा है जो पकड़ना मुश्किल हो रहा है. मैं फिर भी मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा. अच्छा ये तापस दा अपना जो एंट्री है ना, फोर क्लिक के बाद वन काउंट के बाद ही वो ट्रिल शुरू हो जाएगा, तो वहां से पहला लेते हैं. फोर क्लिक देना. ठीक है. जीनियस यार भाई यार, क्या बात यार. साउंडिंग दादा खाली वो जो अपना स्ट्रिंग है ना वो आप मिड वाले में लेते हैं ये, तो उसका करेक्ट उसका ओपन फील आ जाएगा. है प्यार क्या मिल जाए तो आसमां, है प्यार क्या मिल जाए तो दास्तां. मुझे नहीं पता कि हम अपना इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स व्हाट शायद जिंदगी ऐसी होती है. सुबह जब हम मिले, जिस वक्त हम लोग जब सुबह मैं उठा तो उस वक्त हम लोग एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन में थे, और जैसे जैसे दिन ख़त्म हो रहा है I have a smile which is widening as the day goes ahead. All thanks to the team that I have, and I'm just feeling lucky. काफी blessed feel हो रहा है कि ये सब चीज़ें हम लोग recapture कर पाए, recreate कर पाए. कितनी बार गाना खो जाता है इस भीड़ में, और हमारे सारे efforts as musicians बस उस गाने को protect करके उस गाने को आप तक पहुँचाने के होते हैं. So yeah, I think I was lucky today, and a very big lesson learned that always keep your files. Seene mein jaan baaki hai, is pyar ki pehchaan baaki hai. Kaise rukoon, ae dil bata. प्यार क्या मुझको जो हो गया, है प्यार क्या क्या ये तुझको भी हुआ. क्या बात है, बहुत अच्छे